यो हेलो माय डेस्क क्योस स्प्रेडर्स। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए असैसिन्स क्रीड 1 की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना अपने गुरु की हत्या किए चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गेम की स्टोरी शुरू करने से पहले आपको दो चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है जो इस गेम में बहुत ज़्यादा यूज़ हुई हैं। एक है एनिमस नाम की मशीन, जिस मशीन की मदद से कोई भी इंसान अपने हज़ारों साल पुराने पूर्वजों की याददाश्तों को फिर से जी सकता है। और एक है एप्पल ऑफ ईडन, ये एक एंशियंट आर्टिफैक्ट है जिसकी मदद से बहुत सारे इंसानों को अपने काबू में किया जा सकता है। तो दोनों बातें जान लेने के बाद चलिए अब शुरू करते हैं अपने गेम की मेन स्टोरी को। गेम की शुरुआत में हमें डेजमंड माइल्स नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जिसे कि किडनैप करके एक फैसिलिटी में लाया जाता है, जहाँ पर उसे एक एनिमस नाम की मशीन से जोड़ दिया जाता है, जिससे कि वो अपने एक पूर्वज की यादों में पहुंच जाता है, जिसका नाम होता है अल्टायर। अल्टायर की यादों में पहुंचने के बाद वो अल्टायर की ज़िंदगी को खुद जीने लगता है, जहाँ उसे पता लगता है कि अल्टायर एक वक्त पे अपनी ताकत और स्किल्स के चलते बहुत ही घमंडी हो चुका था, जिसकी वजह से असैसिन्स क्रीड ब्रदरहुड के बनाए हुए नियमों को वो मानने से इनकार कर देता है। और उसकी कीमत उसके दोस्त चुकाते हैं, क्योंकि उसका एक दोस्त मारा जाता है और दूसरा दोस्त अपना हाथ खो देता है। लेकिन अल्टायर को कुछ नहीं होता, वो वहाँ से भाग करके निकल जाता है और अपने गुरु को आकर के बताता है कि आपने मुझे जिस आर्टिफैक्ट को लेने के लिए एक मिशन पर भेजा था वो मिशन फेल हो चुका है। इस बात से उसका गुरु बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। लेकिन तभी जिस असैसिन का हाथ कटा होता है वो अल्मुअलिम यानी अल्टायर के गुरु के सामने आ खड़ा होता है, और वो अल्टायर की अपने गुरु से शिकायत कर देता है कि किस तरह से इसने ब्रदरहुड के नियमों को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से हमारे ब्रदरहुड का एक असैसिन मारा गया है और मैं अपना हाथ खो चुका हूँ। लेकिन इतने में ही असैसिन्स के किले पर हमला हो जाता है, जिससे बचने के लिए अल्मुअलिम यानी अल्टायर का गुरु अल्टायर को हुक्म देता है वहाँ पर हमला करने आए टेम्पलार्स, जो कि असैसिन्स के दुश्मन हैं, उन्हें हराने के लिए। अल्टायर इस काम में सक्सेसफुल होता है और वो टेम्पलार्स को वहाँ से भगा देता है। अब बारी होती है अल्टायर के किए हुए की सजा उसे देने की, क्योंकि उसी की वजह से ये हमला हुआ था। क्योंकि अगर वहाँ पर वो थोड़ी सी बेवकूफ़ी नहीं करता तो टेम्पलार्स तभी असैसिन्स के किले पर हमला नहीं करते और इतने सारे लोग वहाँ पर नहीं मारे जाते। इसकी सज़ा के लिए अल्मुअलिम अल्टायर के पेट में छुरा घोंप देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें पता लगता है कि असलियत में अल्टायर मरा नहीं है, बल्कि उसे वहाँ पर बेहोश कर दिया गया था और उसके सारे ओहदे छीन लिए गए हैं, और अभी वो असैसिन्स क्रीड ब्रदरहुड का हिस्सा भी नहीं रहा है और ज़्यादातर लोगों की नज़रों में वो अभी मारा जा चुका है। अल्टायर के गुरु अल्टायर को बताते हैं कि अगर मैं तुम्हें वहाँ पर मार देता तो तुम्हारी ये जो स्किल्स हैं ये सारी की सारी वेस्ट हो जाती। मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ जहाँ पर तुम अपने आप को प्रूव कर सकते हो। तुम्हारे लिए मैं एक मिशन दे रहा हूँ, इस सिटी के सबसे 9 करप्ट लोगों को मारने के लिए, जिन्होंने इस सिटी का बुरा हाल कर रखा है। तुम्हें जाकर के उन सबको एक एक करके मारना है, और अगर तुमने ये काम कर लिया तो अपने ओहदे को तुम फिर से पा सकोगे और ब्रदरहुड में फिर से जगह बना सकोगे। अल्टायर इस बात के लिए राजी हो जाता है और वो उन 9 लोगों को मारने के लिए निकल पड़ता है। अल्टायर जैसे जैसे टेम्पलार्स को मारता चला जाता है, वैसे वैसे उसे पता लग जाता है कि कोई ना कोई बात तो है जो मुझसे छुपाई जा रही है। इसलिए वो अल्मुअलिम के पास आता है और ज़ोर से बोलता है। अल्मुअलिम इस बात पर उसके खिलाफ तलवार निकाल लेते हैं, लेकिन अल्टायर के ज़्यादा जोर देने के बाद अल्मुअलिम उन्हें टेम्पलार्स के बारे में अच्छी खासी जानकारी दे देते हैं, जिसके बाद अल्टायर वापस से अपने टारगेट्स को मारने के लिए चला जाता है। लेकिन अल्टायर जैसे ही अपने 9वें टारगेट यानी आखिरी टेम्पलार को मारता है, तभी उसे पता लगता है कि असलियत में टेम्पलार्स के नंबर 9 नहीं बल्कि 10 हैं, और 10वां टेम्पलार खुद अल्मुअलिम है। और अल्मुअलिम ने बाकी के 9 टेम्पलार्स को अल्टायर के हाथों इसलिए मरवाया है क्योंकि वो एप्पल ऑफ ईडन जो एंशियंट आर्टिफैक्ट है उसकी ताकत को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता और दुनिया पर खुद अकेला राज करना चाहता है। और जैसे ही अल्टायर ने 9 टेम्पलार्स को मार दिया है, अब उसे किसी के साथ वो ताकत बांटने की ज़रूरत नहीं है। ये बात जानने के बाद अल्टायर वापस से मासिया जाता है जहाँ पर उसका गुरु रहता है। लेकिन वहाँ जाने पर वो देखता है कि उसके गुरु ने सभी लोगों को अपने काबू में कर लिया है, और वहाँ घुसने के लिए उसे अपने ही फेलो असैसिन्स को मारना पड़ता है। लेकिन तभी उसके कुछ दोस्त आ जाते हैं जो कि अल्मुअलिम के काबू में नहीं थे, वो अल्टायर की मदद करते हैं और जो असैसिन्स अल्मुअलिम के काबू में थे उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। अल्टायर उनसे कहता है कि तुम लोग इनका ध्यान बटाओ,
मैं जाकर के अल्मुअलिम से निपटता हूँ। अल्टायर जाकर के अल्मुअलिम से मिलता है और कहता है कि तुमने शुरुआत से ही हम लोगों का फायदा उठाया है। अल्टायर का गुरु बोलता है कि मैंने जो कुछ भी किया है इस दुनिया के भले के लिए किया है, क्योंकि अब इस दुनिया के हर इंसान को मैं काबू करूंगा तो कोई भी युद्ध नहीं होंगे, कोई खून खराबा नहीं होगा, कोई चोरी नहीं होगी, ये संसार एक बेहतरीन तौर से निखरेगा। अल्टायर बोलता है इस तरह से तो कोई भी आज़ाद नहीं रहेगा, और इतना बोल करके अल्टायर अल्मुअलिम पर हमला कर देता है। काफ़ी देर तक लड़ने के बाद अल्टायर फाइनली अपने गुरु को वहाँ पर मार देता है, और अपने गुरु को मारने के बाद वहाँ पर उसे एप्पल ऑफ ईडन के बारे में पता लगता है, जो कि असलियत में एप्पल ऑफ ईडन का केवल एक पीस था। असलियत में उसके 22 पीस होते हैं, जिसके 21 पीसों की लोकेशन उसी एप्पल ऑफ ईडन में छुपे हुए एक मैप में होती है। यहाँ पर अल्टायर के बारे में हमें इससे आगे इस गेम में कुछ नहीं बताया जाता है। हालांकि आगे कुछ गेम्स हैं जिसमें इस स्टोरी को और आगे एक्सप्लेन किया है, लेकिन आगे मैं इस स्टोरी को तभी एक्सप्लेन करूंगा जब मैं उन गेम्स को खुद खेल लूंगा। इधर डेसमंड माइल्स की स्टोरी में अगर हम देखें तो क्योंकि फैसिलिटी का काम अभी डेसमंड माइल्स से निकल चुका है, तो वो डेसमंड माइल्स को मार देना चाहते हैं, क्योंकि असलियत में उस फैसिलिटी को टेम्पलार्स ही चला रहे होते हैं, जो कि मॉडर्न एज तक अभी भी जिंदा हैं। और क्योंकि डेसमंड माइल्स एक असैसियन है तो वो उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक लूसी नाम की लड़की होती है जो कि खुद भी एक असैसियन होती है, लेकिन उन टेम्पलार्स को नहीं पता होता है जो फैसिलिटी चला रहे होते हैं कि लूसी भी एक असैसियन है। वहाँ पर वो उस फैसिलिटी के लीडर्स को अपनी बातों में फंसा लेती है और कहती है कि डेसमंड माइल्स को हमें कुछ दिन और ज़िंदा रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसकी यादों में हमें कुछ और भी मिल जाए। इतना बोल करके वो वहाँ पर डेसमंड माइल्स को कुछ दिनों के लिए और ज़िंदा रख लेती है। तो ठीक है भाई लोग, यार इस गेम की स्टोरी जो थी अभी तक तो यहीं तक दिखाई गई है। इससे आगे की स्टोरी असैसिन्स क्रीड 2 में दिखाई गई है, जिस गेम को कि हम खेलेंगे और उसके बाद हमें पता लगेगा कि डेसमंड माइल्स के साथ आगे क्या होता है या अल्टायर के साथ आगे क्या होता है। लेकिन ये वीडियो जो है यहीं पर ख़त्म होता है। असलियत में यार असैसिन्स क्रीड गेम जो था ना, वो प्रिंस ऑफ पर्सिया के यूनिवर्स का एक पार्ट होने वाला था, लेकिन जब 2007 में असैसिन्स क्रीड आया तो उसने प्रिंस ऑफ पर्सिया से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। इस वजह से असैसिन्स क्रीड का जो यूनिवर्स है ना, वो बहुत ही बड़े लेवल पे यूबीसॉफ्ट ने एक्सपेंड कर दिया, और आज हमको पता है कि असैसिन्स क्रीड किस फ्रेंचाइजी का नाम है, क्योंकि उसे किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है भाई लोग, यार अगर आप लोगों ने ये गेम नहीं खेला है, जिसके बहुत कम चांस है कि नहीं खेला हुआ आपने, क्योंकि जिसके पास पीसी होगा वो ऐसा नहीं हो सकता असैसिन्स क्रीड का कोई भी गेम ना खेले, और असैसिन्स क्रीड 1 तो मतलब सबसे लो रिक्वायरमेंट वाला है तो खेल ही सकते हो। लेकिन अगर नहीं खेला है तो मैं रिकमेंड करता हूँ एक बार खेल लेना। इस गेम में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है कि गेम पूरी तरह से परफेक्ट है, बट हाँ इसमें कुछ डाउनफॉल्स हैं जिन्हें कि मैं किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि इस गेम में मतलब क्या डाउनफॉल्स हैं। प्रिंस ऑफ पर्सिया की भी एक वीडियो पड़ी हुई है जिसे मैंने अभी अपलोड नहीं किया, उसे एडिट वगैरह करना है। उसमें मैंने प्रिंस ऑफ पर्सिया के अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात किया हुआ है, तो वो भी वीडियो आएगी। इसके अलावा असैसिन्स क्रीड के डाउनफॉल्स पर भी एक वीडियो आने वाली है, अगर मैंने रिकॉर्ड अगर वो की तो। लेकिन फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, वो वीडियो हो सकता है कोई स्टोरी की हो या कोई और टॉपिक पर। लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने अपनों का ख्याल रखना। मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।